हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेयर स्ट्रेन थ्योरी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक थ्योरी है और साइक्लो एल्केन्स की स्टेबिलिटी को प्रूव करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी साबित हुई। ठीक है, तो सबसे पहला हमारी स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स में हम करते हैं कंटिन्यू बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो 1885 में एक साइंटिस्ट थे एल्डॉल्फ बेयर, इन्होंने बेयर स्ट्रेन थ्योरी दी। इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की जिसका नाम था बेयर स्ट्रेन थ्योरी, जिसका नाम पड़ा। तो उस थ्योरी में इन्होंने बेसिकली क्या किया कि कुछ फ्यू साइक्लो एल्केन्स जो हम लोग ने स्टार्टिंग में देखे थे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, तो ये कुछ फ्यू जो आपके साइक्लो एल्केन्स हैं इनके कुछ के क्या दिया था, रिलेटिव स्टेबिलिटी दी थी कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है या फिर सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने बेसिकली क्या किया, एंगल्स को ध्यान में रखते हुए बात की। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एंगल है, कोई भी, जैसे ये है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, तो कार्बन और कार्बन के बीच का जो एंगल ओरिजिनली होना चाहिए वो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए आइडियली। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर इस एंगल में कोई डिफरेंस आता है, ठीक है, या फिर क्या कहना चाहिए उसे कि नॉर्मल से अगर कहीं पर भी जो ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल है वो अगर कहीं डिफरेंट होता है तो उसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करता है वो। ठीक है, तो यानी उस कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो इफेक्ट करेगी अगर जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है उससे बॉन्ड एंगल डिफरेंट होता है तो। अब जब इन्होंने सारे ही जितने भी आपके साइक्लो इस कुछ इनिशियल साइक्लो एल्केन्स जो हैं इनको जब देखा, ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने ये पाया कि सभी जितने भी आपके साइक्लो एल्केन्स हैं इन सबके जो ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल थे वो डिफरेंट थे। ठीक है, जबकि हमें पता है कि जो भी एल्केन्स होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में अगर जो हम बॉन्ड एंगल को देखें तो वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, आइडियली दो कार्बन एटम के बीच में अगर कोई, मतलब कोई भी पेयर ऑफ बॉन्ड्स कार्बन का होता है उसके बीच में जो एंगल होता है नॉर्मली इतना होता है। लेकिन उन्होंने क्या पाया कि डिफरेंट डिफरेंट जो साइक्लो एल्केन थे तो डिफरेंट एंगल बॉन्ड एंगल थे जो ऑब्जर्व किए उन्होंने। तो सब हर एक साइक्लो एल्केन का उन्होंने कुछ डिफरेंट बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व किया, राइट? तो उसके बेसिस पे उन्होंने उसको पता लगाया कि शायद ये बॉन्ड एंगल ही है जिसके डिफरेंट होने की वजह से जो उसकी जो स्टेबिलिटी है उस पे इफेक्ट पड़ रहा है और उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जा रही हैं। ठीक है, इसी बेसिस पे इन्होंने क्या प्रपोज किया, ही प्रपोज एंगल स्ट्रेन थ्योरी। इसको क्या नाम दिया उन्होंने, एंगल स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, तो इस थ्योरी का नाम है एंगल स्ट्रेन थ्योरी, यानी कि ओरिजिनल एंगल से एंगल में अगर कोई भी बदलाव आता है, ऑब्जर्व्ड जो हमारा बॉन्ड एंगल है अगर कोई भी डिफरेंट बॉन्ड एंगल होता है तो क्या पड़ेगा, एंगल स्ट्रेन पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रेन पड़ेगा डेफिनेटली क्या होगा, स्ट्रेन पड़ेगा तो स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। स्ट्रेन पड़ेगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी, तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम दिया एंगल स्ट्रेन थ्योरी। अब अगर हम सिर्फ साइक्लोप्रोपेन को पहले देख लेते हैं, एक्चुअली दो कार्बन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था वो इतना होना चाहिए था, ठीक है, 109 28, लेकिन होता क्या है, जो एक्चुअल इसका जो बॉन्ड होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, 60 डिग्री का होता है, यानी कि बनता ऐसा क्यों है, पहले हम ये देख लेते हैं क्या होता है। जैसे आपके पास ये कार्बन एटम है, साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, तो जब यहाँ पर ये कार्बन एटम है और इसके जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं जब ओवरलैप करेंगे
तो सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग से क्या होगा, कुछ इस तरह का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे ही इधर होगा, सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग हो रही है, ऐसे ही यहां पर हो रही है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली होता क्या है, स्ट्रेन की वजह से ये ओवरलैपिंग यहां ना होकर थोड़ा सा इससे दूर होती है, यहां मान लीजिए, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो ओवरलैपिंग जहां होनी चाहिए थी वहां ना होकर उससे किसी दूसरी जगह पर हो रही है। उससे क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, पाई बॉन्ड से तो स्ट्रांग है लेकिन सिग्मा बॉन्ड से वीक है, ठीक है। तो ना ही ये पाई बॉन्ड रह गया, ना ही ये सिग्मा बॉन्ड रह गया। तो लेकिन ये क्या क्रिएट कर रहा है, ये जो आपका ओवरलैपिंग है ये इस रिंग पे क्या कर रहा है, स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, और स्ट्रेन प्रोड्यूस करने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इसका जो एंगल होता है कार्बन कार्बन सॉरी बॉन्ड होता है जो कार्बन कार्बन के बीच का, वो पाई बॉन्ड से वीकर बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि इसका जो एक्चुअल ओवरलैपिंग है वो कहीं इस तरह से होती है, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाएगा, वीक ओवरलैपिंग है तो वीक पाई बॉन्ड हमारा बनता है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड जो बनता है, कहेंगे इसे हम सिग्मा बॉन्ड ही, लेकिन ये एक्चुअल सिग्मा बॉन्ड से वीकर होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो अगर हमें डिफरेंस निकालना हो, ठीक है, इसके बीच का कि आपसे जो कहें हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसके बीच का जो डिफरेंस है, तो 24 डिग्री कुछ का डिफरेंस है इसमें, 44 मिनट, ठीक है, लगभग ऐसा कोई डिफरेंस आता है जो एक्चुअली में यहाँ पर बॉन्ड बनता है, होना चाहिए था जो, लेकिन वो होता 60 डिग्री है, होना ये चाहिए था, तो एक स्ट्रेन क्रिएट हुआ और इतने आपके इतनी डिग्री का डिफरेंस आ गया इसमें, ठीक है। तो ये तो प्रोपेन के केस में हो गया। अब इसी बेयर स्ट्रेन थ्योरी पे हम कुछ एग्जांपल्स के साथ में स्ट्रेन देखेंगे कितना कितना है और उसकी स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उससे पहले मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हम एजम्पशंस को डिस्कस कर लें। वैसे तो मैंने आपको सब बता दिया है, लेकिन पॉइंट वाइज अगर हमें लिखना पड़ जाए तो हम एजम्पशंस में क्या लिखेंगे, कि क्या डिफरेंस आता है, तब हम जाके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। यहाँ पर अच्छा सॉरी ये सॉरी मैंने माइनस गलत कर दिया, यहाँ पर यहाँ 29.5 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो इससे पहले हम देखेंगे अजम्पशंस क्या क्या हैं। तो पहला अजम्पशन तो यही हो गया कि डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैल्यू विड इम्पोज अ कंडीशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेन, ठीक है। तो नॉर्मल जो हमारा वैल्यू होनी चाहिए थी, अगर उससे बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो क्या होगा, एक इंटरनल स्ट्रेन पड़ेगा रिंग के ऊपर। ये हो गया आपका पहला अजम्पशन जो कि बेयर्स का था, बेयर ने दिया था। उन्होंने और क्या दिया, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, तो पहला डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल हो गया इनका। सेकंड इन्होंने जो पॉइंट दिया उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेनर इन नेचर होते हैं, बस उसमें क्या होता है, रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, और रिंग का फॉर्मेशन होने के लिए होने की वजह से जो एक्चुअल कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड एंगल होता है उससे क्या हो जाता है, कुछ डेविएशन हो जाता है जिसकी वजह से एंगल स्ट्रेन जनरेट होता है। तो ये सेकेंड पॉइंट हुआ। तो ये प्लेनर होते हैं, प्लेनर होने की वजह से क्या होता है, नॉर्मली एक ही प्लेन में है लेकिन क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रिंग फॉर्मेशन किस में हो रहा है, रिंग फॉर्मेशन इन प्लेनर फॉर्म में ही हो रहा है। तो उससे क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन प्लेनर फॉर्म में हो रहा है लेकिन क्या होता है, जो एक्चुअल एंगल होता है उससे डेविएशन हो जाता है, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल एंगल विच लीड्स टू एंगल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये इनका सेकेंड एजम्पशन था। तो अगर एजम्पशन की बात करें तो ये दो एजम्पशन मेनली हैं, बाकी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे वो इसमें जरूर आप शुरू से ही मेंशन करोगे कि इस ईयर में ये हुआ
और एक्चुअल बॉन्ड एंगल ये होता है और डेविएशन उसका होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और किस बेसिस पे एंगल स्ट्रेन थ्योरी नाम रखा गया, तो ये सब मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट, अगर हम इसके एग्जांपल से देखना चाहें तो आगे हम देखते हैं, जैसे सबसे पहले हम साइक्लोपेंटेन और सॉरी साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन को ही कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ देखिए, ऑब्जर्व जो वैल्यू है वो 60 है, 60 डिग्री। अगर हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो ऑब्जर्व जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो हम इसमें से डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों का। तो डिफरेंस अगर हम निकालते हैं, किसमें से निकालेंगे, 109 डिग्री, और जो भी आपका था ये 28 मिनट, तो इसका हो जाएगा 49 लगभग। और यहाँ आ जाता है हमारा डिफरेंस जो आएगा वो 19 आएगा, क्योंकि दोनों में ही, एक में ऑब्जर्व हो गया 60 डिग्री और एक में ऑब्जर्व वैल्यू है 90 डिग्री, और होना कितना चाहिए था 109। तो ये जो हमने निकाला है वो डिफरेंस निकाला है, 49 डिग्री और 19 डिग्री। तो डेविएशन निकाला है, डिफरेंस कह लीजिए, या फिर एंगल स्ट्रेन निकालना है, ठीक है। तो एक्चुअल एंगल्स में को हमने माइनस कर दिया डिजायर्ड एंगल में से, ठीक है। तो 109 माइनस 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका 49। ऐसे ही इधर हो जाता है 109 माइनस 90 डिग्री, लगभग 19 आएगा। अब इन दोनों में से अगर हमसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू एंगल स्ट्रेन थ्योरी या बेयर स्ट्रेन थ्योरी, तो कहेंगे कि जिसका भी बॉन्ड एंगल का जो डेविएशन है वो कम है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो जिसका डेविएशन आपको कम दिख रहा है उसको हम स्टेबल दे देंगे, यानी कि यहाँ जो साइक्लोप्रोपेन है हमारा वो साइक्लोब्यूटेन से कम स्टेबल है, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब इसके तीन चार एग्जाम्पल एक साथ देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से यही क्वेश्चन आता है बेयर स्ट्रेन थ्योरी में से। या तो ये पूछा जाता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, या फिर ये पूछा जाता है इनमें से सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल कौन सा है, या फिर सीधे सीधे लिमिटेशंस पूछ लिए जाते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी के, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, तो हम उसमें से एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। तो तीन एग्जाम्पल हमारे सामने ये हो गए, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। एक और हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, साइक्लो हेक्जेन, ठीक है। तो साइक्लो हेक्जेन जो हमारा है, तो यहाँ पर भी जो डिज़ायर्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए था, 109, लेकिन जो एक्चुअल में एंगल होता है इसका 120 डिग्री होता है। इसका मतलब जो इसका एंगल स्ट्रेन जो डिफरेंस लेंगे हम, देखिए यहाँ माइनस और प्लस से मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ डिफरेंस से मतलब है कि कितना एंगल स्ट्रेन आ रहा है। अगर 109 होना चाहिए था और 120 हमें एक्चुअल में मिल रहा है, ठीक है, 120 एक्चुअल में होता है, तो टोटल जो स्ट्रेन आ रहा है वो 11 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। तो डिग्री है इसलिए इस पे डिफरेंस देख रहे हैं हम कितना है, तो डिफरेंस 11 डिग्री का आ रहा है। अब आप इन चारों को अगर कंपेयर करते हो, साइक्लो प्रोपेन, ब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, तो अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, आई रिपीट अगेन, अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, इसमें सबसे कम जो डेविएशन है वो किस में आ रहा है, साइक्लोपेंटेन में। इसका मतलब जो साइक्लोपेंटेन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, साइक्लोपेंटेन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा स्ट्रेन कम किसका आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद आ रहा है हमारा साइक्लो, तो नेक्स्ट हो जाता है हमारा साइक्लो ब्यूटेन एंड देन साइक्लो प्रोपेन। यहाँ पर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो डेविएशन है एंगल का वो साइक्लो प्रोपेन में होता है, इसलिए सबसे लीस्ट स्टेबल जो होगा वो साइक्लो प्रोपेन होगा। तो ये जो ऑर्डर हमने लिखा है ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, लेकिन जब एक्चुअल में पाया गया तो ये एक लिमिटेशन आ जाती है बेयर स्ट्रेन थ्योरी की, कि अगर हमने जब हमने एक्चुअल एंगल देखा तो साइक्लोहेक्सेन जो था, सॉरी
साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर उससे कम होता है साइक्लोपेंटेन, फिर होता है साइक्लो ब्यूटेन, देन साइक्लो प्रोपेन। तो एक्चुअल में जो होता है हमारा इस पॉइंट पर जो है बेयर स्ट्रेन थ्योरी को, ये यहाँ पर हेक्सेन और पेंटेन के केस में इसको यहाँ पर इसकी लिमिटेशन आ जाती है। लेकिन अगर स्टिल आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द बेयर स्ट्रेन थ्योरी इसका आपको ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी का, तो मोस्ट स्टेबल जो आपका आएगा वो साइक्लोपेंटेन ही आएगा अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। बट इन एक्चुअल क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जहाँ जब डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ वो सबसे ज़्यादा लीस स्टेबल हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास साइक्लोप्रोपेन जो है वो लीस स्टेबल है। इसीलिए हमने देखा था इनिशियली जब पिछले लेक्चर्स में कि जब हमने रिएक्शंस की बात की तो साइक्लोप्रोपेन जो था वो रिंग ब्रेक करने के बाद एडिशन रिएक्शन भी दे रहा था इजीली, बिकॉज ऑफ उसकी स्टेबिलिटी क्या है बहुत ही कम हो जाती है कंपेयर टू अदर एल्केन साइक्लो एल्केन्स। तो इनकी स्टेबिलिटी क्या है बहुत ही कम है, इसीलिए इन्होंने इतनी रिएक्शंस देखी। और हमने अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम इनिशियल लेक्चर से कहते हुए आ रहे हैं कि इन दोनों में ब्यूटेन जो है साइक्लोब्यूटेन वो ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका रीज़न यही है कि जो एंगल स्ट्रेन होता है वो इसमें ज़्यादा है साइक्लोप्रोपेन में, इसलिए ये रिएक्शंस भी ज़्यादा दे रहा था। आप देख रहे थे कई जगह पर रिएक्शंस जो थी साइक्लोब्यूटेन की रिएक्शंस भी हमें कम देखने को मिल रही थी, तो यही इसका रीज़न था जो यहाँ से क्लियर है। अब इसकी होती है कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी को उसके लिमिटेशन के साथ एक्सप्लेन कीजिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है लिमिटेशंस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। इसमें मेनली क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स जो कि या तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी प्रूव करना भूल मतलब सॉरी जिनसे उससे जो पॉइंट्स प्रूव नहीं हुए उनसे, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट थे, उन पॉइंट्स को लिमिटेशंस में इंक्लूड किया गया। जैसे सबसे पहला हमारा यही होता है कि बड़े रिंग सिस्टम पे जब पहुँचे, क्योंकि इन्होंने जब इनिशियली रिंग सिस्टम जो थे, क्योंकि हमने अभी देखा साइक्लोहेक्सेन तक ही इन्होंने एक्सप्लेन किया था, और जब लार्जर रिंग सिस्टम की तरफ जैसे जैसे बढ़े तो ये जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी थी यहाँ पर फेल हो गई आकर कि लार्जर रिंग सिस्टम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकेंड जो लिमिटेशन इनका बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि एक्चुअल में साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन साइक्लोपेंटेन, लेकिन इन्होंने कहा इनकी थ्योरी के हिसाब से क्या था कि साइक्लोपेंटेन इज़ मोर स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लार्जर रिंग सिस्टम्स आर नॉट पॉसिबल एज दे हैव नेगेटिव स्ट्रेन बट दे एग्जिस्ट एंड मोस्ट स्टेबल। तो इन्होंने कह दिया कि लार्जर सिस्टम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन बट दे एग्जिस्ट इन। लेकिन क्या होता है अगर हम देखें इसी पॉइंट में, हम नेक्स्ट पॉइंट को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होता है प्लेनर, इन्होंने कहा प्लेनर नहीं होते हैं, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, वो प्लेनर होते हैं लेकिन पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे आपने चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म देखे होंगे, इस टाइप के पकर्ड स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं अपने आप को एंगल स्ट्रेन से रिमूव करने के लिए, रिलीज करने के लिए। तो एंगल स्ट्रेन जो होता है वो रिलीज हो जाता है इनके पकर्ड फॉर्म क्रिएट करने की वजह से। तो ये जो पॉइंट्स थे इसको बेयर जो थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, या फिर कहीं कहीं पर कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट थे, तो वो सारे के सारे हमारे लिमिटेशंस में आ जाते हैं। इसमें लार्जर रिंग सिस्टम का पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने तो यही कह दिया था कि पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा था कि प्लेनर नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन इन एक्चुअल वो प्लेनर होते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या फॉर्म करते हैं, पकर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं और अपना स्ट्रेन खुद कम कर लेते हैं। तो आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इनके लिमिटेशंस क्या थी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ ही पॉइंट्स हैं लेकिन आपको अगर लिमिटेशंस की बात की जाए तो सारे पॉइंट्स मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप किसी भी आंसर में लिमिटेशंस
बहुत प्रॉपरली मेंशन करोगे अगर आपसे लिमिटेशंस पूछी जाती हैं तो। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे स्टेबिलिटी की। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।